रोहतक जिले के सुनारिया जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम आखिरकार 48 घंटे की पैरोल पर आ गए हैं। डेरा प्रमुख को आज सुबह 6 बजे पैरोल पर रिहा किया गया और भारी पुलिस सिक्योरिटी के बीच गुड़गांव में ले जाया गया। सिरसा डेरा प्रमुख राम रहीम को अगले 48 घंटे की पैरोल मिली है, जिसके तहत उसे पुलिस की कस्टडी में ही रहना होगा। आपको यह भी बता दें कि गुरमीत को पिछले दिनों रोहतक के पीजीआई में स्वास्थ्य खराब होने के कारण भर्ती करवाया गया था, जहां पर हर प्रकार की जांच करवाने के बाद डॉक्टरों ने मामूली उपचार करने के बाद राम रहीम को दोबारा 21 घंटे बाद सुनारिया जेल में भेज दिया था। आज राम रहीम को जेल से पैरोल दे दी गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि डेरा सिरसा मुखी गुरमीत राम रहीम गुड़गांव पहुँच चुके हैं, जहाँ उन्हें मानेसर के एक फार्म हाउस में ठहराया गया है। जानकारी के मुताबिक राम रहीम की मां भी उसी फार्म हाउस में मौजूद है। राम रहीम की मां का इलाज मेदांता हॉस्पिटल से चल रहा है। पैरोल के दौरान राम रहीम केवल अपनी मां के पास ही रहेगा। इससे पहले जब उसकी मां गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थी, तब डेरा प्रमुख 24 अक्टूबर 2020 को 24 घंटे की इमरजेंसी पैरोल पर आए थे और भारी सुरक्षा के साथ उसे गुरुग्राम ले जाया गया था। राम रहीम पैरोल पाने में कामयाब तो हो गए, लेकिन उसके साथ ही राम रहीम की बाहर आने के बाद मुश्किलें और अधिक बढ़ने लगी हैं। उनकी पैरोल पर विवाद एक बार फिर से शुरू हो गया है। गुरमीत राम रहीम की पैरोल पर अब अंशुल छत्रपति ने बयानबाजी करनी शुरू कर दी है। अंशुल छत्रपति ने राम रहीम को एक खूंखार कैदी बताया और कहा कि सरकार के द्वारा राम रहीम जैसे खूंखार कैदी को पैरोल देना गलत है। अंशुल छत्रपति ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गुरमीत को फिर से लाने का ट्रैक तैयार किया जा रहा है और वो उन्हें कतई मंजूर नहीं है। देखिए, ये ना तो बेल इसे नहीं कह सकते, ये एक जेल अथॉरिटीज़ जो हैं वो किसी भी कैदी को, प्रिजनर को, उसके फैमिली के अंदर किसी ऐसी घटना, कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है तो उस मामले में कुछ ऐसे जो खूंखार कैदी होते हैं उनके लिए कस्टोडियल पैरोल, कस्टडी के अंदर ही उसको लेके जाया जाएगा, इस तरह का कुछ प्रावधान होता है। जो पिछली बार 24 अक्टूबर को 24 घंटे की पैरोल दी गई थी गुरुग्राम जाने के लिए, वो भी कस्टडी के अंदर लेके जाने का ही था। इस बार सुनने में आया है कि 48 घंटे की परमिशन दी गई है, कस्टडी के अंदर लेके जाया जाएगा और कस्टडी के अंदर ही वापस उसको वहाँ उसको रखा जाएगा 48 घंटे के लिए। लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात है, जो सरकार के साथ जो मिलीभगत का एक जो चल रहा है, खेल चल रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। किस तरीके से पहले एक बीमारी का नाटक करके पीजीआई में आता है राम रहीम, जब वो ज़्यादा मामला सिरे चढ़ता दिखाई नहीं देता है, डॉक्टर्स उसके रिपोर्ट उसकी फेवर में नहीं करते हैं, तो उसके बाद साथ के साथ ये छुट्टी के लिए, पैरोल के लिए एक एप्लीकेशन लगाई जाती है। तो इस मामले में देखने वाली बात ये है कि माँ की बीमारी का बहाना बनाया गया, माँ जो कुछ दिन पहले सिरसा में थी उसे स्पेशली गुरुग्राम ले जाया गया, मेदांता हॉस्पिटल में बताया जा रहा है कि उनका इलाज चल रहा है। तो अभी ये सब जो ड्रामेबाजी है कि यहाँ से उसको गुरुग्राम ले जाके और 48 घंटे के लिए जो गुरुग्राम के लिए छुट्टी दी गई है, ये कहीं ना कहीं एक अंदर खाते जो सरकार के साथ मिलीभगत है उसी खेल का नतीजा है ये। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार को इस तरीके से जो एक वीआईपी ट्रीटमेंट देकर एक कैदी को, एक ऐसे व्यक्ति को जिसने पूरे हरियाणा को जलाकर खाक करने की कोशिश की, जिसके चेलों ने अपने तेवर दिखाए 25 अगस्त 2017 को सभी ने देखा कि कैसा मंजर था, तो आज सरकार उसके प्रति अगर ऐसी नरमी दिखा रही है तो ये बातें समझ से परे हैं। ये इस तरह की राजनीति क्यों की जा रही है सत्ताधारी दल द्वारा, ये सब पहले भी हालांकि ये चलता रहा है, लेकिन अब इसमें ये एक शीशा जो हुआ सारी दुनिया के सामने, सारे देश के सामने, एक जो समाज सेवा का आडंबर रचा जा रहा था डेरा सच्चा सौदा और गुरमीत राम रहीम द्वारा, वो सभी के सामने शीशा हो गया 25 अगस्त 2017 को कि उनके अंदर असल में क्या है, कैसा शैतान छिपा हुआ है। उसके बावजूद ऐसी घटनाएं जो हैं, सरकार द्वारा इस तरीके की नरमी बरता जाना, ये बहुत बेवकूफ़ी भरा कदम है और हम इसकी सख्ती से इसकी निंदा करते हैं और सरकार के ऐसे कदमों की सख्त निंदा करते हैं। देखिए, पत्रकार छत्रपति हत्याकांड जो मेरे पिता रामचंद्र छत्रपति, उनके मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को 11 जनवरी 2019 को सज़ा सुनाई गई थी उम्र कैद।
उससे पहले 10-10 साल की सज़ा यौन शोषण, साध्वियों के यौन शोषण के मामले में, बलात्कार के मामले में जो सज़ा सुनाई गई थी 25 अगस्त 2017 को, उन दोनों मामलों में गुरमीत राम रहीम सज़ा काट रहा है। अभी डेरा के प्रबंधक रणजीत सिंह का, उनके कत्ल का मामला जो है वो अभी पेंडिंग है अदालत के अंदर, तो काफ़ी समय से लंबित चला आ रहा है, क्योंकि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख द्वारा लगातार उनके वकीलों द्वारा इस तरह की एक जो स्ट्रेटजी अपनाई जाती रही है, मामलों को किस तरीके से खींचना है, लिंगर ऑन किए जाने के लिए हर बार इस तरह की स्ट्रेटजी अपनाई गई, जिसकी वजह से ये 16-17 साल 18 साल तक सभी मामले पेंडिंग पड़े रहे। तो बड़ी मुश्किल से इन मामलों में फैसला आया। अभी जो मामला पेंडिंग है अदालत के अंदर वो फाइनल आर्गूमेंट की स्टेज पर है, लेकिन देखना ये होगा कि अभी ये उसको और कितना खींच पाते हैं। साधुओं के नपुंसक बनाए जाने का जो मामला है वो अभी उसमें आर्गूमेंट, अभी गवाहियाँ जो हैं वो पेंडिंग है, वो भी मामला हाई कोर्ट के अंदर अभी इनकी एक एप्लीकेशन के आधार पर लटका हुआ। बिल्कुल, ये जो 24 अक्टूबर को एक 24 घंटे का कस्टोडियल पैरोल दिया गया, उसके बाद 48 घंटे की कस्टडी पैरोल, और ये मुझे लगता है कि ये आने वाले समय के लिए एक ग्राउंड तैयार किया जा रहा है डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को धीरे धीरे सिरसा लाने का एक ट्रैक तैयार किया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में ये कह के पैरोल मांगी जा सके कि हमारा जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है जो 24 अक्टूबर का और जो आज का जो 48 घंटे का पैरोल है, उसके आधार पे एक ट्रैक रिकॉर्ड दिखाकर आने वाले समय के लिए पैरोल मांगी जाए। बिल्कुल, हम लगातार इसका पुरजोर विरोध करते भी रहे हैं, आने वाले समय में भी करेंगे, क्योंकि अभी तो आप देख रहे हैं कि कोरोना काल के चलते जो अदालती कामकाज जो है वो काफ़ी प्रभावित हुआ है, अदालतों के अंदर कामकाज जो है, रूटीन वर्क जो है वो नहीं चल रहा है, तो ये एक डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को भी ये एक माकूल वक्त लगा, ऐसे समय को चुना गया जब अदालतों के अंदर ज़्यादा इस तरह का वर्क जो है वो नहीं हो पा रहा, जिस वजह से इन्होंने ऐसे वक्त को चुना ताकि हम उनका विरोधी कोई जो है वो अदालत की शरण में ना आए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक हरियाणा।